सर मैंने को अपनी सास को बिल्कुल नहीं पीटा। मेरी बेटी को रोज़ परेशान करते हैं, वो पढ़ती है उसकी लाइटें बंद कर देते हैं, और परसों भी ऐसे हुआ, इन्होंने लाइट बंद कर दी, जिसकी वजह से मैंने लाइट जलाई और मैंने कहा आप उनको लेटाया, मैंने धक्का नहीं मारा, मैंने लेटाया कि आपको लाइट बंद कर, आपकी मैं लाइट बंद करती, दरवाज़ा भी मैंने बंद करा कि आप आराम से सो, मेरे बच्चों और हमें परेशान ना करो। और 1.5 साल पहले भी मैंने यहाँ पर पुलिस चौकी में कंप्लेंट कर रखी है, ये मेरे इन्होंने मेरे पापा को फ़ोन करके वो कंप्लेंट दबवा दी गई है। पहले कंप्लेंट मैंने करी है, इन्होंने तो कल करी है, और परसों कह रही थी कि मेरे ना गला दबाया, सास ने कह रही थी मेरे पापा हस्बैंड कमरे के अंदर आप जाते नजर आ रहे हैं, उसके बाद आपने लाइट बंद होती नजर आ रही है, दरवाजा बंद होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ तो वो मेरा बच्चा रो रहा था ना, इसलिए बुलाया कि आराम से शांति से बात करती हूँ, मैंने मारा नहीं है सर। चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं अंदर कमरे से? नहीं, कोई चिल्लाने की आवाज़ें नहीं आ रही हैं सर, चिल्लाने की आवाज़ें मेरे बच्चों की आ रही हैं बाहर से, उसमें वीडियो में देखो सर, आप चेक करो, मेरे बच्चों को रोज़ बड़ी वाली बेटी, मेरी दूसरी शादी है, मेरी बेटी उस वीडियो में भी बोल रही है कि हमारी औलाद नहीं है, ये तेरी औलाद है, हमेशा ही मेरे बच्चे के साथ फ़र्क किया जाता है। और कंप्लेंट मैंने थाने में पहले करी है 1.5 साल पहले, 3 साल नौकरी करती थी, नौकरी करने के बाद जब मैंने छोड़ा, मैं यहाँ रहने लगी, तो मेरे को 3 महीने के अंदर मेरे को एग्जाइटी डिप्रेशन हो गया, मुझे रोज़ पड़ताड़ित ये करते थे कि तुम हमारा पेंशन खा रहे हो, हमारा पैसा खा रहे हो, सब कुछ तुम हमारा खा रहे हो। मेरी सास ने मुझे इतना टॉर्चर करा, 3 महीने मैंने बैठ के रोटी खिलाई, 4th महीने कहती मैं खुद खाऊंगी, सर आप बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने मारा नहीं है, मैंने ऐसे धक्का भी नहीं मारा, मैंने ऐसे पकड़ के लेटाया है कि आप लेटो, लाइट बंद करती हूँ, और आपका दरवाज़ा मैंने ही बुलाया सर, इसलिए बुलाया कि आप अपना शांति से रहो और हमें भी शांति से रहने दो। उनका भी ये भी आरोप है कि पिछले 1.5 साल से आप उनको टॉर्चर सर मैं थी ही नहीं 1.5 साल से, मैं 2022 में आई हूँ यहाँ पे, जुलाई 2022 में आने के बाद इन्होंने मुझे इतना टॉर्चर करा, मेरे को एग्जाइटी डिप्रेशन हो गया, एम्स हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल के मेरे पास पर्ची है, कहोगे तो मैं वो पर्चियाँ भी दे दूँगी सर आपको, और वो मैंने SDM ऑफिस में जमा भी करा रखी है, मेरा पति मुझे मारता है, होली के दिन भी मार रखा है, फ़ोटो दिखा दूँगी, मेरे पास फ़ोटो भी है, वीडियो में भी ले लेना चाहिए। क्या करते हैं वो? स्कूल में जॉब करते हैं, वो स्कूल में यही शिक्षा देते हैं। मैं तो स्कूल में टीचर थी, अब हटवा दिया, टर्मिनेट करवा दिया मेरे को, स्कूल से हटवा दिया, इसलिए वो जो मेयर है उसने फ़ोन करा, वो सर ने मेरे को हटा दिया टर्मिनेशन के लिए, मुझे नम नहीं पता सर, महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटे जो रेनू भाई, उन्होंने मेरे वहाँ पे स्कूल में फ़ोन करा, उन्होंने मुझे टर्मिनेट का उसी टाइम लेटर दे दिया। जो आरोप लगे हैं आप पे सर वो झूठे और बेनियाद है। पहले ये भी सर पहले वाली के साथ भी ऐसे करते थे। पहले जिस कंपनी में आप जॉब करते थे सरकारी, आपकी नौकरी थी? सरकारी नौकरी नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट पे थी, 12 साल जॉब करी है मैंने वहाँ पे बिजली बोर्ड में। फिर वहाँ से क्यों? मैंने को हटाया नहीं है, मेरे पास तो उसका भी रिकॉर्ड है। मैंने नहीं मैंने 6 महीने की चाइल्ड केयर लीव भरी थी, 1 जुलाई से लेकर जनवरी तक, 6 महीने की, 1 जुलाई 2022। अभी आप जॉब पर हैं? आप अभी नहीं, वो बोली जॉब पे नहीं हूँ, क्योंकि 30 जनवरी को वो 1 जनवरी को मैंने ज्वाइन करना था, तो वो बोले एक्साइन नहीं करवाया, क्यों? क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार में सबके नाम चढ़ गए थे, मेरा नाम नहीं चढ़ा था, मेरा आस्था कार्ड में नाम नहीं चढ़ा आज तक। मैंने एक्शन के खिलाफ कोई शिकायत करी है? एक्शन के खिलाफ इसलिए शिकायत करी थी, वो मुझे कह रहे थे कि हम आपको ज्वाइन नहीं करने देंगे, क्योंकि वो मरीज था, जो मुझे सुनने में आया कि उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, दिमाग मेंटली डिस्टर्ब है, हाँ नए एक्शन आए थे, तो मैंने उनके पास गई, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि आपको टर्मिनेट दिया, मैं कहा सर आप मुझे लिख कर दे दो कि आपने ज्वाइन कराना है तो लिख कर दे दो, नहीं ज्वाइन करवाना तो ना लिखो, बस ये 2 लाइनें लिख कर दे दो, तो उन्होंने बोला आपका यहाँ पे कोई रिपोर्ट। आप चौकी आए किस लिए सर? करके बोला कल आके आए थे, कल वाले मैटर में। हाँ कल वाले मैटर में था, तो ये काफ़ी समय से दुर्व्यवहार कर रही थी हमारे साथ, तो बहुत बहुत तेज तेज बोलती थी, बंदा उत्तेजित हो जाता है कई बार, नहीं तो ये क्या करती थी, फिर सामान फेंकना शुरू कर देती थी, सामान तोड़ती थी, उसमें इसने एक कूलर भी तोड़ा, 2-3 मोबाइल भी तोड़े, एक मिक्सी भी तोड़ी और 2 कुर्सियाँ भी तोड़ी, तो पहले सामान फेंकती थी, फिर हमारे ऊपर कोशिश करती थी डराने की, मारने की, तो एक दो बार इसने हाथ भी चलाए, जैसे ऐसे ऐसे पेट में घुसे उसे ऐसी, हम लोग सब सहन करते हैं, अभी कोई बात नहीं, बच्चा है, ये है वो है, तो ऐसे 1.5 साल से ही ऐसा होता आ रहा था, तो हमने इसके मम्मी पापा को 20 फ़ोन करे, शुरू में तो वो एक दो बार आए, इसको समझा के चले जाते थे, लेकिन उसके बाद तो वो कहते थे हम क्या करें, वो कभी नहीं आए। हमने अपनी बिरादरी से भी बतेरे फ़ोन करवाए और अपने रिश्तेदारों से भी करवाए,
लेकिन उन्होंने कभी आने की जरूरत नहीं समझी। तो मेरे हिसाब से तो शायद कल की घटना जो हुई है, क्या हुआ कल की घटना? ये हुई कि ये ऊपर ही रहती है, इसका पोर्शन ऊपर है, लेकिन ये ज़बरदस्ती नीचे रहती है और नीचे ही हमारी किचन में बनाती है, हमारी में ही खाती है, सब कुछ वही करती है, ठीक है कि नहीं है? तो उसके बाद ये चलो तो भी हम कुछ नहीं कहते, बच्चे हैं चल। तो ये सोई हुई थी, इसकी बिटिया दूसरे कमरे में पढ़ रही थी, पढ़ क्या रही थी, वो ड्राइंग व्राइंग का काम करती है, उसकी आदत है कटिंग वटिंग करने की, जो खिड़कियाँ हैं हमारी उसमें से रोशनी बहुत आती है। तो मैंने उसको यही कहा, बेटा दिन का टाइम है, सारी लाइटें पंखे जल रहे हैं, हम हैं एक पेंशनर, हम तो इतने बिल दे नहीं सकते, ठीक है कि नहीं? तो मैंने बिटिया को ये कहा, बेटा लाइट बंद कर दे, हर कमरे में लाइटें पंखे जल रहे हैं, बेटा लाइट बंद कर दे, कर तो कटिंग वटिंग का काम ही है। तो उस बात में उसको गुस्सा आ गया कि दादी ने क्यों कहा लाइट बंद कर। वो अपनी मम्मी को कहने चली गई, मम्मी ने उठा और उसके बाद आप देख रहे हो वीडियो में क्या हुआ, मारपीट की गई आपके साथ। हाँ, वो वीडियो जो हो रहा है, फिर वो फटाफट ऐसी उसे कुर्सियाँ फेंक दी। वीडियो में ये भी देखा गया था कमरा बंद कर दिया था कमरे के अंदर, कमरे के अंदर उसने मेरा ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे झंझोड़ गया छतरे के और दो चार चांटे लगाए मेरे, पीटा है मतलब? हाँ, फिर मेरे को कहती जा पुलिस में जा, थाने जाती थी, अब करा तो मेडिकल। पहले भी आपके साथ घटना हुई? हाँ, पहले भी एक बार इसने मतलब ऐसे ऐसे पेट में घुस, वो तो मतलब इसीलिए हमने फिर कैमरे लगवाए क्योंकि अक्सर होती थी हमारे साथ। परिवार में कौन कौन है, कितने लोग हैं? एक बेटा है, एक ये बहू है, दो इसके बच्चे हैं, वो छोटी है, एक ये है बस, और हम हैं दोनों। वैसे तो इसका पोर्शन अलग, दो बेटा है, वो बाहर रहता है, सरकारी नौकरी में। ये पहले थी बिजली डिपार्टमेंट में, पहले थी, फिर इसको निकाल दिया गया था बिजली डिपार्टमेंट से। रीज़न तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन सुनते हैं कि इसके व्यवहार की वजह से इसको निकाला गया। बेटे को बताया इस बारे में आपने? बेटे को तो ये कुछ समझती नहीं, हम क्या बताएं। बेटा कहाँ रहता है? बेटा तो सर्विस करता है, दिन में जाता है रात को आता है, क्योंकि उसके साथ ये लगभग ऐसे ही व्यवहार करती रहती है। तो वो क्या करता है, अपना सवेरे गया कमाने, रात को इनको खर्चा दिया और अपना चलती है, क्या करें। अब थाने में आपने शिकायत दी उनके लिए? हैं, आपने चौकी में शिकायत दी? हाँ जी, हाँ, हम यहाँ शिकायत देने आए थे, इन्होंने हमें हमारी शिकायत ली और उधर से बाई चांस वो उधर हमने पहले ना ये क्या कहते हैं वीडियो कहीं किसी ने वायरल कर दिया होगा, तो वो आ गई थी अपनी रेणु भाटी। क्या चाहते हैं आप? हम तो भैया ये चाहते हैं, सीधी सी बात है ना, तो इसके माँ बाप आए आज तक, भाई कोई निष्कर्ष तो निकलना चाहिए ना, ये तो रोज़ का काम है, हम तो बुजुर्ग हैं, हम क्या करेंगे, हमारे में तो इतनी क्षमता नहीं है। अच्छा, जहाँ तक है ये कहे हमारा राशन पानी भी चलाओ, ये चलाओ, हम 11,000 तो हमारे लोन में ही चले जाते हैं, मान लो हमारा मकान भी किराए पे है, तो बाकी 25-30,000 में तो कौन सा खर्चा नहीं होता घर का, कौन चलाएगा? तो हम इतनी बड़ी पोस्टों पर तो थे नहीं, या नहीं? कल महिला आयोग की चेयरपर्सन हरियाणा की, हाँ जी, हाँ, आपके घर आए, हाँ जी, आई थी, तो क्या बातचीत? हाँ, उन्होंने इनसे सारी हम पूरा मुझे हमें सहयोग दिया, इसको भी काफ़ी धमकाया उन्होंने, वो भी करा जैसे मतलब उनको बड़ों की करनी चाहिए थी, वो उन्होंने करी, लेकिन मैं यही चाहती हूँ भाई, हम बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे बस की तो ना रोज़ यहाँ आना है ना वहाँ जाना है, ना किसी को भी तंग करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, ना बच्चों को तंग करने का उद्देश्य है। पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, संतुष्ट हैं आप उससे? नहीं, हम तो संतुष्ट हैं, इन्होंने भी उसी टाइम उन्होंने फ़ोन किया, ये लोग भी पहुंच गए, क्योंकि अभी तो इनके यहाँ से ही तो गए थे अभी हम, फिर इतने में रेणु भाटिया जी आ गए, उन्होंने फ़ोन किया तो ये भी आ गए साथ के साथ। हाँ जी, हाँ, देखिए हमने दो दिन पूर्व, एक दिन पूर्व ये SDM ऑफिस का जो उसमें हुआ वो रिपोर्ट भी देखी, और एक अननोन कॉल इसी एरिया से मुझे आया आज कि इस तरह से हमारे मोहल्ले में हुआ, एक बुज़ुर्ग महिला के साथ ऐसा अगर होता रहा तो देखा देखी और मोहल्ले के औरतें बुज़ुर्गों के साथ दुर्व्यवहार ना करें, तो अभी से इस जो है वारदात को और बात को यहीं रोका जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी मैं दिल्ली से ही आई थी किसी मीटिंग से, तो मैं तुरंत यहाँ पहुँची और मैंने उस बुज़ुर्ग दंपति से बात की, क्योंकि मेरे पास वीडियो सुबह ही पहुँच गई थी और मैंने देखा था उसमें साफ दिखता है वीडियो में कैमरा रिकॉर्डिंग्स में कि ये महिला बुज़ुर्ग महिला अपने कमरे से आकर ड्राइंग रूम की बत्ती बंद करती है। बुज़ुर्गों की आदत होती है बत्ती बंद करना, गेट लॉक करना,
किसी को ना छोड़ना, ये एक ह्यूमन नेचर भी होता है। और बुज़ुर्ग लोगों को थोड़ा सा बचाव का रहता है कि बचत हो जाए, फजूल लाइट ना जले, पानी ना चले, और एक तरफ से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी हैबिट होती है। इस चीज़ को छोटी बच्ची ने थोड़ा सा गुस्से में अपनी माँ को जाके कहा कि दादी ने लाइट बंद करी। उस बात पर जो वीडियो दिखाता है, ये महिला बहू मोनिका भाग भाग कर आई और उसने अपनी सास के साथ जो बुरा व्यवहार किया, हाथापाई की, दरवाज़ा बार बार पीटना, बंद करके अंदर उसे मारना, और कुछ देर दरवाज़ा खुला है 2-4-5 सेकंड का, उसमें मारते हुए भी, पलंग पर लेटाकर हाथ चलाते हुए भी दिखता है। ये बहुत ही बैड बिहेवियर है। आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, मैं सभी बुज़ुर्गों को कहूँगी कि अपनी सेफ्टी के लिए पुलिस से, SDM ऑफिस से, जहाँ भी आपको कॉन्टैक्ट करना है, हमसे करना है, करें। और मैं सभी बेटियों को कहूँगी कि अपने सास ससुर को अपनी माँ बाप की तरह इज्जत करें। यदि उन्होंने लाइट बंद की थी तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूटा था, वो प्यार से कह देती कि मम्मा लाइट मत बंद करिए, वहाँ पर बेटी सोई है। इस चीज़ को ऐसे भी निपटाया जा सकता था, परंतु यहाँ आने के बाद, माता पिता से बात करने के बाद जो पता लगा कि इसका बिहेवियर कई बार इस तरह से रहा है, और इसका पुराना रिकॉर्ड पानीपत में भी इस तरह से लड़ाई का रहा जिसको हम निकलवा रहे हैं, लेकिन सास ने ये कहा कई बार 112 पे कॉल करके और इस तरह की लड़ाई आई। मोहल्ले के एक दो लोग हमारे पास बात करने के लिए आए, एक बुज़ुर्ग भी आई जो बयान देने को भी तैयार है। इसी तरीके से ये महिला अपने सास ससुर के लिए एक खतरे की घंटी भी है, जो हमने उसका बिहेवियर हमारे सामने, पुलिस के अधिकारियों के सामने भी देखा। तो मैं SDM महोदय को निवेदन करती हूँ कि इस बुज़ुर्ग दंपत्ति का विशेष तौर पर प्रोटेक्शन किया जाए, ख्याल किया जाए, और इस लड़की को जो उसने 112 के माध्यम से मांगा था कि मुझे 3rd फ्लोर पे या 2nd जो भी फ्लोर है उस पे अलग से रहने को स्थान दिया जाए, वो ऑर्डर्स वहाँ से भी पास हुए, मैं भी उन ऑर्डर्स को सहमति देती हूँ। वो हमें शिकायत प्राप्त हो चुकी है और बात जैसी सूरत होगी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या मामला है पूरा? वो वीडियो वायरल हुई है, उसमें मार पिटाई हो रही, जाँच करी जा रही है और बात जाँच जैसी सूरत होगी कार्रवाई अमल में लाई। मामला है कहाँ का सर और किस इलाके का है ये? ऋषि नगर चावला कॉलोनी का मामला है। शिकायत में क्या मिला है आपको? शिकायत में तो यही है भाई, क्या लड़ाई झगड़े बारे प्राप्त हुई है हमें। तो बहू ने ही मारा है साहब को? अभी देखते हैं, वीडियो में तो यही है, बाकी जाँच चल रही है उसकी। पीड़ित तरफ से कोई शिकायत दी गई है? पीड़ित की तरफ से शिकायत प्राप्त हो चुकी है हमें।